वो कि 4 साल पहले से जो बच्चे रोड पर जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तरह तरह के साथ उनकी प्रताड़ना हो रही है, किसी की शादी टूट जा रही है। जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल से भटक रहे थे कि कब बहाली देंगे, और अचानक से बिहार सरकार नया नियम लागू कर देते हैं, और लेकिन सरकार अचानक से जो है एक नियम लगा देते हैं कि आप लोगों को BPSC का एग्जाम देना ही पड़ेगा। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं बात करने के लिए। सर ये बताइए कि 4 साल से जो शिक्षक या अभ्यर्थी धरना धर रहे थे और अचानक से उनके ऊपर नियम लगा देना कि BPSC का एग्ज़ाम आपको देना ही होगा, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का फैसला हो या माननीय डिप्टी सीएम का फैसला हो, ये निश्चित रूप से शिक्षकों की बहाली अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है तो ये सोना पर सुहागा है। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इन ग्रेट सैल्यूट के साथ उनका स्वागत भी करता हूँ। लेकिन मुझे मूल समस्या है वो कि 4 साल पहले से जो बच्चे रोड पर जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तरह तरह के साथ उनकी प्रताड़ना हो रही है, किसी की शादी टूट जा रही है, तो उनको अचानक इस तरह का फैसला दे के उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है मेरा कि उन बच्चों को आप नियोजित कर लें और समय सीमा निर्धारित कर दें कि इतने दिन में आपका परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में अगर पास कर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को नियोजित किए बिना अचानक ये तुगलकी फरमान किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं बच्चों के हित की बात कर रहा हूं और स्पष्ट से कह रहा हूं जो 4 साल से भटक रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी ना किया जाए। तो सर, जो बच्चे 4 साल से धरना धर रहे थे तो उनको पहले ही नोटिस एक जारी कर देते कि आप लोगों को BPSC का एग्जाम देना होगा, तो वो लोग तैयारी भी कर लेते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि उनको पहले से 4 साल पहले सूचना कर दे देते तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अभी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे हैं अगर हमको BPSC का एग्जाम ही देना होगा तो हम दरोगा का तैयारी करेंगे, शिक्षक क्यों बनेंगे? नहीं नहीं, किसी भी नौकरी का तुलनात्मक अध्ययन करना उचित नहीं है। शिक्षक बहुत बड़ा पद है और इतने बड़े पद के पर मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन इतना तय है कि उनको पहले से अगर सूचना दे दिया जाता तो निश्चित रूप से अच्छा होता। अचानक परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अभी जो अभ्यर्थी को अचानक ये नियम लगा दिए हैं, उनको अगर इस साल मतलब कि शिक्षक बना दे, उसके बाद वो 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद बोलें कि हम एग्ज़ाम लेंगे आप लोगों का, तो ये तो हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो जाएगा। अभी उनको नियोजित कर दें और बता 6 महीने का समय दे दें कि 6 महीना में आपको ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार आप 6 महीने में परीक्षा लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पहले से शिक्षक हैं उनका भी एग्जाम BPSC का लेना, उनका भी होगा, उनको भी समय दे दे, उनको भी 6 महीना समय दे दे कि आपका ये सिलेबस इस हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए, आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो क्या लगता है सरकार क्या सोच के ये BPSC का एग्जाम ले रहे हैं? सरकार तो अच्छा ही सोच रही है, सरकार के सोच में कहीं भी कोई कमी नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूल काफी ज्यादा बदनाम है, इसमें आप लोग भी बार बार दिखाते रहे, इसमें बहुत बहुत अच्छी सोच है माननीय लालू प्रसाद। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया या फिर जो भी पत्रकार लोग दिखाएं स्कूल की व्यवस्था, इसी को लेके लगता है सरकार भी एक्शन लिए हुए हैं। हाँ नहीं, ये तो खैर जो जिस तरह से सरकारी स्कूल की स्तर थी वो बिल्कुल गिरी हुई थी, तो उसमें सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन केवल ये 4 साल से जो बच्चे भटक रहे हैं उनको अगर पहले बता दिया जाता तो इस तरह का कोई नौबत ही नहीं आती और अच्छे शिक्षक भी चले जाते। तो क्या ये एग्जाम होकर ही रहेगा, BPSC का शिक्षक अभ्यर्थी को देना ही होगा? ये मैं कैसे कह दूं कि एग्जाम होकर ही रहेगा, ये तो सरकार के जिम्मे के एग्जाम लेगी ही, लेकिन और अगर एग्जाम लेती है तो बच्चों को देना ही पड़ेगा, लेकिन इन 4 साल से भटक रहे बच्चों के साथ सरकार इंसाफ करे ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षक अभ्यर्थी के बहुत सारे का शादी जो है लग गया था सर, लड़की के पिता सोचते थे शिक्षक तो बन ही जाएंगे, सरकारी नौकरी हो ही जाएगा, तो शादी लग गया था, अभी शादी टूटने लगा है, यहाँ तक कहीं ना कहीं लड़का और लड़की दोनों का जिंदगी सर बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, तो ये निश्चित रूप से बर्बाद, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो 4 साल से लड़के भटक रहे थे, जो लाठी खा रहे थे, डंडा खा रहे थे, उनको नियोजित करा दीजिए, अनियोजित करा के उनको समय सीमा दे दीजिए कि इतने सीमा में आपको ये सिलेबस पास करना अनिवार्य होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शादी तो फिर हो ही जाएगी। शिक्षक 4 साल से लगातार धरना धर रहे थे, आप देखे होंगे काफ़ी सारे लाठी भी खाए हुए हैं, डंडा खाए हैं, पानी बरसा है, क्या सब परेशानी नहीं हुआ, और अचानक से ये BPSC का सुनकर काफ़ी सारे शिक्षक अभ्यर्थी डिप्रेशन में चले जाएं? हाँ बिल्कुल, जो 4 साल से रोड पर भटक रहे हैं वो तो डिप्रेशन में जाएंगे ही, और लेकिन सरकार इस पर उचित कदम उठाना चाहिए, सरकार को हमको लगता है कि उठाएगी सरकार, और नियोजित शिक्षकों के साथ जो
पहले से पास कर चुके हैं 4 साल से, उनके साथ अच्छा काम करे सरकार, उनके हित की काम करे, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये नियम लग गया है बीपीएससी का, अब एग्जाम देना ही होगा शिक्षक अभ्यर्थी को। हाँ बिल्कुल, ये सरकार के जब जो नियम निकाल दिया तो वो नियम लग गया है। मुझे इस नियम से कोई दुख नहीं है, नियम से बहुत खुशी है, लेकिन 4 साल से जो बच्चों के साथ हुआ है उससे मैं थोड़ा सा, जो इस बार अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति कर देना चाहिए, उनके बाद जो है लागू करे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।